आज हम बात करेंगे कि कोजीग्लो जेल कैसे लगाया जाए। यूजुअली लोग बहुत परेशान होते हैं लगा के, और एकदम से ज्यादा लगाने से कई बार घमोरियों जैसा रिएक्शन हो जाता है, पूरे चेहरे पे बारीक बारीक दाने निकल आते हैं जैसे फफोले होते हैं, और लोग घबरा जाते हैं कि रिएक्शन हो गया, लाल हो रही है, स्किन ड्राई हो रही है, स्किन पील हो रही है, बहुत जलन है, खारिश है, स्किन उतर रही है। तो सही तरीका जानेंगे कि कैसे लगाना है। हमने थोड़ा सा जेल लिया, हल्का सा, एक या दो बार ऐसे करना है और ये गायब हो जाए। हमको हल्का सा लेना है, फिर थोड़ा सा लिया, एक या दो बार ऐसे करेंगे, गायब हो जाए। हमें बहुत ज्यादा लगा के स्किन पे नहीं छोड़ना। हमें ऐसा भी नहीं करना कि हम स्किन पे बहुत लेयर लगा रहे हैं, बहुत लेयर लगा रहे हैं और उसको ड्राई होने की वेट कर रहे हैं। हमने पूरा मोटा लेयर लगा दिया फेस पे और हम वेट कर रहे हैं कि स्किन ड्राई हो। हम ऐसा भी नहीं करेंगे, हम बहुत कम लगाएंगे। और आपने देखा, मैंने एक या दो बार ऐसे किया और ये गायब हो गया। तो हमें ज्यादा ट्यूब नहीं लगाना। कुछ लोग क्या करते हैं, गलत तरीका यूज करते हैं। मैंने बहुत ज्यादा लेके ऐसे ऐसे मलेंगे, रगड़ेंगे, घुसाएंगे, फिर अगले दिन सुबह बारीक बारीक घमोरियों जैसा रिएक्शन हो जाता है, स्किन लाल हो जाती है। तो ऐसा नहीं करेंगे। तो सही तरीके से लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर किसी का स्किन ड्राई है तो आप रात को पहले मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज सेटाफिल, यू कैन यूज एक्सेला मॉइस्चराइजर, यू कैन यूज एक्ने मॉइस्ट। अगर किसी का एक्ने प्रोन स्किन है तो आप मॉइस्चराइज यूज करके 10 मिनट का गैप दीजिए, उसके ऊपर से कोजीग्लो जेल लगाएं। तो आपको अगर किसी को अगर इरिटेशन फील होती है या जलन फील होती है तो वो भी नहीं होगा। सो अगर आप इस तरीके लगाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।